क्या गूगल ड्राइव सिक्योर है, क्या गूगल ड्राइव सेफ है, क्या हमें उस पर अपना सेंसिटिव डेटा रखना चाहिए, क्या कहती है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, देखते हैं आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। तो आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है गूगल ड्राइव। नाउ यहाँ पर मैं उसका डिटेल्ड रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, जो मेन चीज़ है उसकी वो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी, उसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात करी है। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे वर्क करती है और किस टाइप से आपको इस सर्विस का यूज़ करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या गूगल ड्राइव सिक्योर है? जी हाँ, गूगल ड्राइव में काफ़ी अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं। गूगल अपने आप में काफ़ी बड़ी एमएनसी है तो वो कोई भी यहाँ पे लूप होल नहीं छोड़ेगी। काफ़ी अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं ताकि वो कहीं और से हैक नहीं हो पाए। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ हैकिंग, हैकिंग के लिए यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड इंक्रिप्शंस का यूज़ किया गया है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया गया है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है, तो उस मामले में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि क्या आपका डेटा प्राइवेट है, सिक्योरिटी मेनली हैकिंग से रिलेटेड है। डेटा के ऊपर अभी हम लोग आगे प्राइवेसी पॉलिसी पे आएंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो है जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन का। जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन क्या होता है वो मैंने डिटेल्ड वीडियो में बताया है अपने क्लाउड स्टोरेज बाइंग गाइड में, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और अभी मैं क्लाउड स्टोरेज के ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, काफी ज्यादा और डिस्कशन करेंगे हम लोग क्लाउड स्टोरेज पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप लोग नए आए हैं। तो जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो उस डेटा को आपके सिवा और कोई रीड नहीं कर सकता है, ना उनका कोई एम्प्लॉय, ना कोई गवर्नमेंट, कोई भी नहीं देख सकता है। इनफैक्ट अगर उसके पास सर्वर का एक्सेस भी हो तो भी नहीं। तो ये चीज़ गूगल ड्राइव में नहीं है। अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ और एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो गूगल ड्राइव में क्या हमारा डेटा सिक्योर है कि नहीं है, कौन कौन डेटा को यूज़ कर सकता है, किस लेवल के लिए एक्सेस कर सकते हैं, वो उसको समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट्स है गूगल की तरफ से। एक है टर्म्स ऑफ सर्विस वाला, एक है स्पेसिफिकली गूगल ड्राइव की टर्म्स ऑफ सर्विस वाला। इसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा ये वाला टर्म्स ऑफ सर्विस का इनका पेज, सो इन्होंने यहाँ पे दो टर्म्स ऑफ सर्विस के पेजेस देके रखे। और तीसरा है यहाँ पर हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये तीन पेजेस के बेसिस पे आज हम लोग इसको करेंगे डीकोड। सबसे पहले समझते हैं हम लाइसेंस को कि इन लोगों के पास किस चीज़ का लाइसेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ परमिशन टू यूज में, नीचे आते हैं परमिशन टू यूज योर कॉन्टेंट। तो जो भी आप लोग गूगल ड्राइव पे डालोगे इनको एक लाइसेंस मिलेगा वहां पर, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इफ यू चूज टू अपलोड और शेयर कंटेंट प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव नेसेसरी राइट्स। ठीक है, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो भी कंटेंट होना चाहिए वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आप लोग गूगल ड्राइव पे कॉपीराइटेड कंटेंट को नहीं डाल सकते हो। और जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पे डालोगे उसके बाद इन लोगों के पास वो लाइसेंस आ जाएगा। डिजाइन टू लेट यू अपलोड, ठीक है, नीचे आ जाता हूँ मैं। अब लाइसेंस को अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ नीचे आते हैं, स्कोप में आते हैं, लोग किस टाइप के लाइसेंस की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड रहेगा, नॉन एक्सक्लूसिव रहेगा और रॉयल्टी फ्री रहेगा। मतलब जो इनके पास लाइसेंस रहेगा ये लोग आपको उसकी फीस नहीं देंगे। और नॉन एक्सक्लूसिव रहेगा मतलब आप इसे वापस से किसी को बेच सकते हो, आपका जो भी कंटेंट है आप उसे बेच सकते हो। और वर्ल्ड वाइड रहेगा मतलब पूरी दुनिया में ये लाइसेंस वैलिड रहेगा। राइट्स, किस टाइप के लाइसेंस की लोग बात कर रहे हैं? होस्ट, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, कम्युनिकेट एंड यूज योर कॉन्टेंट, सारी यहाँ पे इन्होंने बात कर दी। उसको वो अपने जगह पे रख सकते हैं, अलग अलग डेटा सेंटर पे रख सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। आपने कोई फाइल डाली उसको वो लोग उसको काट के उसकी फॉर्मेट चेंज करके उसको अगेन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग डेटा सेंटर में डाल सकते हैं। कम्युनिकेट एंड यूज योर कॉन्टेंट, सारी राइट्स हैं इन लोगों के पास। पब्लिश, पब्लिकली परफॉर्म और पब्लिकली डिस्प्ले योर कॉन्टेंट इफ यू हैव मेड इट विजिबल टू अदर्स। तो अब अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो गूगल ड्राइव के पास सारे राइट्स है कि वो आपके कॉन्टेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये राइट्स आप उन्हें दे रहे हो अगर आप कुछ भी अपलोड करते हो तो। नाउ ये राइट्स उनको ऑब्वियसली चाहिए रहेगी, क्योंकि अगर मान लो कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ गूगल ड्राइव पे तो वो ऑटोमेटिकली अलग अलग वर्जन्स पे कन्वर्ट हो जाता है, 240p, 1080p। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये इनके पास लाइसेंस है। तो जो भी आपको कन्वीनियंस मिल रही है वो सब इसी लाइसेंस की वजह से मिल रही है। अगर ये लाइसेंस उनके पास नहीं रहेगा तो वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। अब क्या गूगल ड्राइव आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं? जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डालते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, क्या वो लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं? इसको भी हम लोग यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दी कि ये लोग इसे एक्सेस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे एक लाइन में लोग बोलते हैं
कि एक्सेप्ट एज डिस्क्राइब्ड इन आवर प्राइवेसी पॉलिसी। तो अब हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी पे जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी में देखते हैं कि कैसे लोग इसको यूज कर रहे हैं। वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू ऑल अवर यूजर्स फ्रॉम फिगरिंग आउट बेसिक सर्विसेज और एड्स रन करने के लिए भी ये लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय जाकर के आपके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे पढ़ लेगा। गूगल काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, उनके डेटा सेंटर्स काफ़ी सिक्योर हैं, वहाँ पे प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ऐसे ही नहीं कोई भी जाके अपना एम्प्लॉय वहाँ पे जाकर के बैठ करके आज कृपेश ने क्या लिखा है गूगल डॉक्यूमेंट में, पढ़ता हूँ मैं, अरे वाह नया कॉन्टेंट आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी वहाँ पर जाकर के ऐसी चीज़ें नहीं करता है, काफ़ी सिक्योर रहता है वो। लेकिन जो रीड करते हैं वो ह्यूमंस नहीं रहते हैं, वो रहते हैं बॉट्स। गूगल के बॉट्स जो रहते हैं, गूगल की मशीन्स जो रहती है, वो उसे एक्सेस करते हैं, वो उसे रीड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग गूगल डॉक्स में कोई भी सर्च क्वेरी करोगे और वहाँ पर फाइल का नाम मत लिखना, जो फाइल के अंदर है वो लिखना, तो वो फाइल के अंदर चीज़ तभी पढ़ पाएगा जब वो उसको स्कैन करके उसे रीड कर सकता है। इसका मतलब गूगल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकता है, एम्प्लॉयज नहीं करते हैं लेकिन उनके बॉट्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर ये क्योंकि ये लोग स्कैन कर सकते हैं, तो अब अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट को अपलोड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसे रिमूव कर दिया जाएगा। कभी किसी क्रैक को अपलोड करके देखना, मोस्ट प्रोबेबली वो उसे रिमूव कर देंगे, आज नहीं तो कल वो रिमूव हो जाएगा बिना आपको बताए कि हम इसे रिमूव कर रहे हैं। ये सब उनके एम्प्लॉयज़ नहीं करते हैं, ये यूजुअली इनके बॉट्स रहते हैं जो ये सब करते हैं। अगला है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजर्स को देते हैं। तो आइए हम लोग इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वी प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अवर एफिलिएट्स एंड अदर ट्रस्टेड बिजनेस, और मतलब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है ये इसे एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं, दैट्स हाउ दे वर्क। लेकिन यहाँ पे जो इनके ड्राइव के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके हिसाब से ये उन चीज़ों को नहीं देते हैं जो आपने प्राइवेट करके रखी है, उन्हें ये टेक्निकली नहीं देते हैं। जो भी इनके एडवर्टाइजर्स हैं, जो भी मेरे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उन्हें ये शेयर नहीं करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ को शेयर करते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, जो कि पब्लिक डोमेन में है, जिसका लिंक आपने शेयर किया है। तो अब अगर मैंने किसी लिंक को पब्लिक करके रखा है तो टेक्निकली इस पॉलिसी के हिसाब से वो लोग इसे शेयर कर सकते हैं एडवर्टाइजर्स के साथ में। अब ये करते हैं कि नहीं करते उसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये वाली पॉलिसी उन्हें ये राइट ज़रूर दे देती है। तो ये थी गूगल ड्राइव की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस की कहानी। तो प्राइवेसी और गूगल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोग कोई क्लाउड स्टोरेज ढूंढ रहे हो प्राइवेसी के लिए, तो गूगल क्लाउड स्टोरेज इज ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड। और भी दूसरी क्लाउड स्टोरेज है जिनकी प्राइवेसी ज़्यादा अच्छी है, जो ज़्यादा बेटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। क्लाउड स्टोरेज के ऊपर हम लोग और डिटेल्ड में बात करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि गूगल ड्राइव को हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए, ये भी कहना गलत होगा। मैं खुद पर्सनली गूगल डॉक्स को काफ़ी यूज़ करता हूँ, इनके शीट्स को, इनका जो पूरा सिस्टम है, ऑफिस सिस्टम है, उसे मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मुझे अल्टीमेटली वो डालना अपने ब्लॉग पर ही है, गूगल को वो रीड करना ही है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि गूगल का उसको बॉट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो मेरे शीट से कीवर्ड रिसर्च को पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर गूगल डॉक्स को यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी गूगल ड्राइव को डेफिनेटली यूज़ करो, लेकिन उसको समझ लो कि ये किस टाइप से वर्क करता है और आपका डेटा वहाँ पे कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। सो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ गूगल स्टोरेज का अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, शीट्स के लिए, लेकिन जो भी मेरे पर्सनल फाइल्स हो गए, एसेट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके लिए मैं गूगल स्टोरेज का यूज़ नहीं करता हूँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।